अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है मटन स्टेक विद सॉस। जिस किसी का भी मटन फेवरेट है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे एक बार खाकर बनाने वाले की तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो जल्दी से इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है। मटन हमें बोनलेस लेना है और इसके पीस इसी तरह बड़े रखने हैं। स्टेक का मतलब ही यही होता है कि हमें मटन या चिकन के बड़े पीस रखने होते हैं। तो इसे अच्छी तरह से धोकर इसका पानी पूरा ड्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए एक बड़ी प्लेट में इसी तरह इसे फैला कर रखेंगे। तो इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से मटन बहुत ही जल्दी गल जाता है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हर चीज को इसी तरह फैला कर डालिएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि विनेगर में भी नमक होता है। 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अभी इन सबको अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली हम जिस तरह मटन या चिकन को मैरिनेट करते हैं, हमें इसे इस तरह नहीं करना है। इसी तरह मटन के पीस को फैलाकर इससे मैरिनेट करेंगे ताकि सारे मसाले मटन में अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे रखने से ये होगा कि ये टेंडर भी अच्छी तरह से होंगे क्योंकि हमने इसमें विनेगर भी डाला है। और मसाला लगाकर रखने से मटन हो या चिकन अच्छी तरह से जल्दी गल जाते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो 3 घंटे हो चुके हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। हमें इसे शैलो फ्राई करना है। तो सारे मटन इसी तरह स्प्रेड करके डालेंगे। तो देखिए अभी मटन में से पानी छूट रहा है। अब गैस की फ्लेम स्लो रखकर ढककर इसे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे, जिससे इसका पानी भी सूख जाएगा और मटन भी गल जाएगा। तो 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं मटन का पानी भी सूख चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मटन को टर्न कर लेंगे। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो थोड़ा सी ऑयल डाल दीजिए। मटन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस साइड भी 15 से 20 मिनट तक इसे पकने देंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और इसे बीच बीच में देखते भी रहेंगे, वरना मटन जल जाएगा। तो 45 मिनट्स के अंदर मटन गल चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और पैन में इसे इसी तरह रहने देंगे। तो अब कुछ वेजेस फ्राई कर लेंगे। तो पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें 2 बड़े आलू को कट करके डालेंगे। आलू को अच्छी तरह से धोकर इसी तरह इसे छिलके के साथ कट करेंगे। तो 5 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर इसे यूं ही फ्राई करेंगे और जब इनका कलर चेंज हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। तो आलू फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर इसी तरह गोल्डन होना चाहिए। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी पैन में से सारा ऑयल निकालेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल रहने देंगे। इसमें 1 बड़ी शिमला मिर्च को कट करके डालेंगे। 1 बड़ी गाजर को भी इसी तरह कट करके डालेंगे। 1 बड़ी प्याज कट करके डालेंगे। इन सब को फास्ट फ्लेम पर 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, बस 1 मिनट तक इसकी कच्ची स्मेल जाने तक हमें इसे भूनना है। 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हमने जो आलू फ्राई किए थे वो डालेंगे। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 नींबू का रस डालकर फास्ट फ्लेम पर 1 मिनट तक इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो हमारे वेजीज रेडी हो गए हैं। ये वेजीज बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे ऐसे ही बनाकर भी खा सकते हैं। अब हम इसका सबसे टेस्टी सॉस बनाएंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखकर पैन में 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे स्किप मत करिएगा। और 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। इन सबको स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे
मैदे का कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है, इसीलिए गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा। अब इसमें हाफ कप दूध डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। दूध डाल के भूनने से अब सॉस थिक हो जाएगा, इसीलिए इसे कंटिन्यू हिलाते रहिएगा। अब इसमें 2 टेबल स्पून मेयोनीज डालेंगे और हाफ कप मटन स्टॉक। ये स्टॉक वो है जब हमने मटन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, तो पैन में मटन डालने के बाद ये स्टॉक बच गया था, तो उसे मैंने संभाल कर रखा है। इसका स्टॉक डालने से सॉस में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे फेंकिएगा मत, इसे संभाल कर रखिएगा। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं बचा हो तो आप इसमें 1 पैकेट चिकन क्यूब्स के भी डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। हमें इसमें लम्स नहीं पड़ने देना है, इसीलिए इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। तो देखिए अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़ा थिक भी हो गया है, तो सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो मेरे पास सिजलर नहीं है, जिस पैन में मैंने मटन को फ्राई किया था उसी पैन को 5 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे और पैन गर्म रहने पर ही साइड में वेजीज डाल देंगे। अब मटन के ऊपर सॉस डालेंगे। तो देखिए हमने बिना सिजलर पैन के कैसे जुगाड़ कर लिया है, माशाल्लाह इसका लुक भी इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी बना होगा। इस सॉस में आप वेजीज को भी डिप करके खा सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा साइड में डाल दिया है। तो अब इस टेस्टी सॉसी मटन स्टेक को ट्राई करते हैं। हमें इसे ऐसे ही खाना है, इसे रोटी के साथ नहीं खाते हैं। तो मटन को तोड़ लेंगे और सॉस में डिप करके खाएंगे। यकीन मानिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे जरूर ट्राई करिए। आपको शायद ही किसी रेस्टोरेंट में ये खाने मिल जाए, वरना तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये जल्दी मिल पाएगा। तो इसे आप घर में जरूर बनाकर ट्राई करिए और एक शाही डिनर का मजा लीजिए। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। सॉसी चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम घर में ही बनाकर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लेंगे, और वो भी बहुत कम खर्च में और बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो चलिए इस टेस्टी चिकन लॉलीपॉप को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 किलो चिकन के विंग्स के पीस लिए हैं। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें विंग्स के पीस ही लेना है। आप शॉपकीपर्स को बोलकर विंग्स को लॉलीपॉप की शेप में कटवा लीजिए। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल लिया है। तो 1/2 kg में टोटल 9 पीस आए हैं। तो अब इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 4 टेबल स्पून मैदा और 1 अंडा डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर, मैदा और अंडा डालने से ये अच्छी तरह से मसालों को बाइंड कर लेता है और ये जूसी भी बनते हैं। देखिए इसमें इसी तरह लिक्विड सा मसाला होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास वक्त हो तो इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए, वरना टाइम नहीं है तो इसे यूं ही भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और चिकन के 1-1 पीस को मसाले में अच्छी तरह से कोट करेंगे और ऑयल में डालेंगे, यानी हर एक पीस को मसाले में अच्छी तरह से डीप करके डालना है। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखकर 7 मिनट तक इसे यूं ही फ्राई होने देंगे। लॉलीपॉप को बहुत जल्दबाजी में मत फ्राई करिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे टर्न करेंगे। इस साइड से ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब 5 मिनट भी इसे इस साइड से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो चिकन लॉलीपॉप फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। टोटल हमें इसे 12 से 13 मिनट लगे हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ मैंने चिकन के सारे पीस एक ही साथ फ्राई किए थे,
आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन सॉस में डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसका सॉस बनाएंगे। तो पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे, गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और 1 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें लहसुन को जलाना नहीं है, इसीलिए अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालना है तो ये जल ना जाए। तो यहाँ 4 टेबल स्पून शेजवान चटनी डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है और स्लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। मैंने ना इसमें नमक डाला है ना ही मिर्च, क्योंकि शेजवान चटनी ऑलरेडी तीखी है और हमने इसमें विनीगर डाला है, जिसकी वजह से हमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे सॉस चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। देखिए, हमने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाला है, लेकिन शेजवान चटनी डालने से इसका कलर चेंज हो गया है। तो लीजिए, सॉसी चिकन लॉलीपॉप रेडी हो गया है, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। साथ में इसका बचा हुआ टेस्टी सॉस भी डालेंगे, थोड़ी सी पत्ता गोभी, प्याज और प्याज की पत्ती से इसे गार्निश करेंगे। मेरे पास प्याज की पत्ती अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिए। तो थोड़ा तीखा और थोड़ा मीठा सॉसी चिकन लॉलीपॉप रेडी हो गया है। तो इस टेस्टी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मटन कीमी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही कम वक्त में भी बन जाता है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में हम इसे रेडी भी करेंगे। आप इसे ट्रैवल या टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 किलो कीमा लिया है, इसे अच्छी तरह धोकर छन्नी में रखकर इसका पानी निकाल लिया है। तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया है और 2 बड़े टमाटर को बारीक कट करेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, या आपके पास टाइम हो तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन चाहे 1 घंटा हो या 3-4 घंटा, आप इसे फ्रिज में ही रखिएगा, क्योंकि हम इन सबको डायरेक्ट ऑयल में डालने वाले हैं, इसीलिए इसे मैरिनेशन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें कुछ अच्छे गर्म मसाले डालेंगे, जैसे 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर 1 मिनट तक इसे भुनेंगे। अब इसमें हमने जो खीमा मैरिनेशन के लिए रखा था इसे पूरा डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। अब खीमे का पानी छूट चुका है, गैस की फ्लेम फास्ट रखकर ही हम इसे भुनेंगे, जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। हमें इसमें और पानी ऐड नहीं करना है। तो कीमे का पानी सूख चुका है, मैंने मशीन का कीमा मीडियम करवाया था, जिसकी वजह से ये जल्दी गल जाता है। अगर आप मोटा कीमा ले रहे हो तो गैस की फ्लेम स्लो रखकर ही 20 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, तो मोटा कीमा भी गल जाएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 4 से 5 मिर्चियों को कट करके डालेंगे। मैंने मोटी वाली मिर्ची डाली है, जो ज़्यादा तीखी नहीं है। अब 1/2 कप हरा धनिया कट करके डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमने थोड़ा सी गरम मसाला डाला है, इसके डालने से खीमे में बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये मिर्च कम तेज़ भी रहती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो इन दोनों को स्किप मत करिएगा। अब गैस की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, जिस तरह हम बिरयानी को दम करने के लिए रखते हैं।
और 7 मिनट के लिए इसे ढककर पकने देंगे। तो कीमा रेडी हो गया है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। कीमे की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और देखा ना आपने हमने इसे कितने जल्दी बनाया है। बस इसे मैरिनेशन के लिए रख दीजिए तो ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। आप इसे प्याज, नींबू, रोटी या पाव के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।